थंबनेल देखकर के आप समझ गए कि क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज बात करने वाला बिटसेट 2023 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था, चाहे वो VIT का हो, SRM का हो, मणिपाल का हो, सब पे एक कॉमन क्वेश्चन था कि भैया बिट्स पिलानी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सको। रहा है, आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्ञान रूप सर्च कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको सारे PDF वहीं पर मिलने वाले। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो ज्ञान रूप के नाम से। तो जब भी तो देखो समझना लैपटॉप की तब देख रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर रहे थे बिटसेट 2023 के हाईलाइट्स के बारे में। तो इसका अगर बात करूँ ना एग्जाम नेम का, तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडमिशन टेस्ट, बिटसेट इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडमिशन टेस्ट है। और वैसे जो कॉलेज का नाम है, जो मेन का कैंपस है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी में। और एक और बात, आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए उसका अलग से लिस्ट का वीडियो मैंने डाल दिया है कॉलेज के रिव्यूज़ के साथ, प्लेसमेंट वगैरह के साथ, तो वो भी आप जाकर के देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराती है, तो बिट्स पिलानी जो इसको कंडक्ट कराती है। एग्जाम के लेवल की मैं बात करूँ तो नेशनल लेवल का ये एक यूनिवर्सिटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम है। फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ तो साल में 2 बार हो सकता है, लेकिन वो हर कोई नहीं दे सकता। उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे कौन कौन और कब कब दे सकता है। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एग्जाम का, तो ऑनलाइन होने वाला है, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड है। आप घर से इसको नहीं दे सकते, आपको कंप्यूटर सेंटर जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। इसके सेंटर के जो लिस्ट हैं वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया है मैंने। अगर मैं बात करूँ टोटल रजिस्ट्रेशन का, तो अप्रॉक्स 3 लाख जो है आने वाले हैं रजिस्ट्रेशन इस बार के। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में हाईएस्ट है जी मेन के बाद। अगर मैं बात करूँ इसके थ्रू आपको कौन सा कोर्स मिलने वाला है, तो इसके थ्रू आपको BTEC का कोर्स नहीं मिलने वाला, आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE का कोर्स मिलने वाला है। एग्जाम के ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 3 घंटे का यह एग्जाम होने वाला। टोटल 130 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। जो मीडियम है इसका इंग्लिश ही रहने वाला, हिंदी नहीं रहने वाला। बहुत कमेंट आते रहते हैं भैया हिंदी है क्या, तो हिंदी बिल्कुल ही नहीं। मैं बात करूँ कौन कौन से कॉलेज जिसके स्कोर एक्सेप्ट करते हैं बिटसेट के, तो बिट्स पिलानी कैंपस हो गया, बिट्स हैदराबाद कैंपस हो गया, और KK बिरला बिट्स पिलानी गोवा कैंपस जो है इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है, और ये सब के सब मैं बी कोर्स के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो आपका 10+2 साइंस से होना मस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है आपका सब्जेक्ट होना ही होना है, साथ ही साथ एडिक्वेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मस्ट है, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स होने होने चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। या आप ध्यान से सुनो कि तीनों ही सब्जेक्ट का मिला करके मिनिमम एग्रीगेट 75% होने चाहिए, वहीं पे इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 60% मार्क्स होने ही होने चाहिए। ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, कोई कहता है कि भैया मैथ में चाहिए 75 क्या, या केमिस्ट्री में चाहिए, या फिजिक्स में चाहिए, तो नहीं, इंडिविजुअली 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, पर तीनों को मिला करके एग्रीगेट 75% मिनिमम होना ही चाहिए। उन लोगों के लिए जो इस बार क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए एपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका क्लास 12 का एग्जाम जो है वो 2022 में क्लियर हुआ है, 23 में आप क्लियर कर रहे हैं, तो ही जाकर के आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। फ्यूचर में आता तो वो डाल दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या कुछ लगता है। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, मेल कैंडिडेट के लिए 3400 रुपये लगने वाला है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2900 रुपये लगने वाला है। वहीं पे अगर आप इसके दोनों ही एग्ज़ाम देंगे तो आपको 5400 रुपये लगेगा बॉयज़ के लिए और 4400 रुपये लगने वाला है फीमेल के लिए, जिसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का कि क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है बिटसेट 2023 में। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है, CBT। आप इसको घर बैठे नहीं दे सकते, या मैं बिल्कुल ही क्लियर कर दूँ, जितने भी कमेंट्स आते हैं ना कि भैया ऑनलाइन एग्जाम होने वाला घर से दे दूँ क्या, मेरे पास तो PC है, लैपटॉप भी, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT। IBT होता है जिसमें आप घर बैठ के दे सकते हैं, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट उसको बोलते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT। इसमें आपको जो एग्जाम सेंटर जाना होता है। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, इंग्लिश में एग्जाम होने वाला है, 2 सेशंस में एग्जाम होने वाला है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो MCQ आने वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें से एक ऑप्शन जो है आपको टिक करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो जैसा स्टार्टिंग बताया था जो 130 क्वेश्चंस इसमें रहने वाला है। टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो 390 मार्क्स का होने वाला है। और एक बात याद रखना, पिछले साल से कंप्लीटली ये चेंज हो चुका है, तो पिछले वाले पैटर्न वगैरह पे आप रिलाई नहीं करना। अगर कुछ पैटर्न में चेंजेस आते हैं तो वो भी मैं आगे चल के डाल दूंगा वीडियो, जैसे वो आएगा
डाल दूंगा, बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो क्लिक करना ही पड़ेगा आपको, तभी जाकर के नोटिफिकेशन मिलेगा। और अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है बिटसेट का। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो पार्ट वन में फिजिक्स का पेपर होने वाला है जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री का होने वाला है उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट थर्ड में जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के रहने वाले हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से 10 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट चार में जो मैथ रहने वाला है जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 130 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर सही करते ना, आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर आपको आंसर गलत कर देते हैं तो एक मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड है। वहीं पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के प्रोसेस के बारे में बात करें बिटसेट 2023 का, तो इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा करके जो है यूज़र आई डी क्रिएट करना है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आई डी के थ्रू। उसके जैसे आप क्रिएट कर लेंगे आपको यूज़र आई डी और पासवर्ड मिल जाएगा ईमेल पर, उसके थ्रू आपको लॉग इन करना है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें 3 तरीके का डेटा आपसे मांगा जाएगा, एक आपका पर्सनल डेटा मांगा जाएगा, दूसरा एजुकेशनल डेटा मांगा जाएगा और तीसरा जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। पर्सनल डेटा में क्या होगा, आपका नाम, फादर मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह पूछा जाएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके 10th 12th के बारे में पूछा जाएगा, और फिर फाइनली आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना होगा जिसमें आपको जो है सिग्नेचर और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पेमेंट करना रहेगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप पेमेंट कर दो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए या एटीएम कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। उसके बाद जो है आप उसकी एक स्लिप जरूर ले लेना जैसे आप पेमेंट डन हो जाए तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, फिर फाइनल सबमिट कर लो, लेकिन एक प्रिंट आउट जो है आप जरूर सेव करके रख लेना, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं बिटसेट 2023 का एग्जाम डेट कब रहने वाला है, यानी कि टोटल इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। सेशन वन की मैं बात करूँ तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14th मार्च 2023 से आ रहा है। ये सब के सब टेंटेटिव है, अभी रियल नहीं आया, जैसे रियल आएगा वो भी मैं वीडियो डालूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। अगर मैं बात करूँ पहले और दूसरे सेशन के लिए अप्लाई करने का जो डेडलाइन रहने वाला है वो 12th जून 2023 रहने वाला है। फॉर्म एडिटिंग की बात करूँ ना कि कोई करेक्शन आपको करना है तो 8 से लेकर के 12 जून के बीच में आप कर सकते हैं। एक बात क्लियर कर दूँ कि आपका प्राइमरी डेटा जो है वो एडिट नहीं होने वाला, मतलब अगर आपने नाम में गलती कर दिया तो एडिट नहीं होगा, जेंडर में गलती कर दिया तो एडिट नहीं होगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। वहीं पर टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट डेट की मैं बात करूँ तो 14th जून 2023 रहने वाला है, और कैंडिडेट टू रिजर्व लास्ट डेट एंड स्लॉट बुकिंग की मैं बात करूँ तो 17th जून 2023 से लेकर के 22nd जून 2023 के बीच में रहने वाला है। एडमिट कार्ड जो है आपको 25 जून से मिला स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर बिटसेट 2023 सेशन फर्स्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 2nd जुलाई से लेकर के 9th जुलाई 2023 के बीच में रहने वाला। वहीं पर अगर सेशन सेकंड की मैं बात करूं तो जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 4th जुलाई 2023 का रहने वाला है। लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 20 जुलाई का रहने वाला है। वहीं पर अगर मैं बात करूं स्लॉट बुकिंग का तो 26 से लेकर के 30 जुलाई के बीच में रहने वाला है। एडमिट कार्ड आपको 31 जुलाई को मिल जाएगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा टिल द टाइम जब जो है एग्जाम स्टार्ट होगा, तब तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं पे सेकंड सेशन के अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो 3rd अगस्त से लेकर के 7th अगस्त 2023 तक रहने वाला है। अभी एक टर्म एंड कंडीशन क्या है कि हर कोई सेशन 1 एंड सेशन 2 का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकता है। अभी आपको ना कुछ बोनस पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये सारे डॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर ये 3-4 पॉइंट्स आपने ध्यान से सुने तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया, जैसे स्टार्टिंग में भी बताया, मिड में भी बताया, डेट से भी आपको पता चलता है कि इसके 2 एग्जाम होते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है सेशन 1 के एंट्रेंस एग्जाम के बीच में और सेशन 2 के एंट्रेंस एग्जाम के बीच में। अब क्या है कि जो भी सेशन 1 और सेशन 2 का एग्जाम देना चाहता है वो दे सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक शर्त यह है कि सेशन 2 का एग्जाम वही दे सकता है जिसने सेशन 1 का एग्जाम दिया है। अगर आप सेशन 1 का एग्जाम नहीं देते हैं तो सेशन 2 के एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं होंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आते हैं कि भैया मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, मेरा फर्स्ट सेशन मैं नहीं दे सकता, तो क्या मैं सेकंड के लिए एलिजिबल हूँ? तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, कुछ भी कारण हो, उसके बावजूद जो है आपको जो है दोनों ही सेशन का एग्जाम देना, फर्स्ट का देना ही देना है, तभी जाकर के आप सेकंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये बात आप एकदम क्लियर कर लो। और हाँ, आप अपना एग्जाम डेट और स्लॉट जो है वो चेंज करने के लिए फ्री हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अपना एग्जाम डेट और स्लॉट भी, कौन सा स्लॉट आप बुक करना चाहते हैं, तो ये आपको फ्रीडम मिलता है। और एक बात मैं आपको पिछले साल के रेफरेंस से क्लियर कर दूं कि कट ऑफ के बारे में बात कर लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं पिट्स पिलाने के लिए, अगर आपको सीएससी चाहिए तो मिनिमम स्कोर जो है ना आपको 345 तो करना ही करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचता आपके पास। वहीं पे रेस्ट जो इसके कैंपसेस है उसमें अगर 325-330 तक स्कोर कर लेते हैं तो आपको सीएससी जो है वो इजीली मिल जाएगा। और एक और बात, बिट्स पिलानी कैंपस इसका मेन कैंपस है,
उसके बराबर के दोनों कैंपस टिकते ही नहीं हैं, मतलब बिट्स यहाँ है और बाकी यहाँ पे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बिट्स प्लान कैंपस में अगर आप एडमिशन पा लेते हैं तो ज़बरदस्त है। इसके बारे में रिव्यू वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हो कि प्लानी का कैंपस कैसा है, गोवा का कैंपस कैसा है, हैदराबाद का कैंपस कैसा है।